नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। रस चूसक कीटों के प्रकोप को रोकने के लिए हम आज आपसे बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके रस चूसक कीटों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से नियंत्रित करेगा। साथ ही साथ आपकी चाहे ब्लैक थ्रिप्स हो या येलो थ्रिप्स हो, दोनों को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करेगा और उनके पूरे लाइफ साइकिल को ख़त्म करेगा। और इसी के साथ में अगर आपके यहाँ पर हल्का फुल्का फंगस है तो उसको भी नियंत्रित करेगा। जी हाँ किसान भाइयों, बिल्कुल आपने सही सुना है, ये कीटकों को तो कंट्रोल करता ही करता है, साथ ही साथ आपके फंगस को भी कंट्रोल करता है। जी हाँ, तो आज हम काफ़ी एक्सीलेंट प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एवं अभी तक भी जिन किसान भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहे। तो किसान भाइयों, आज हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट हम टेक्निकल पर आते हैं। उसमें जो टेक्निकल आता है टोल्फेन पाइराइड, जी हाँ किसान भाइयों, टोल्फेन पाइराइड इसी फॉर्मुलेशन में आता है, इमल्सिफिएबल कॉन्सेंट्रेट फॉर्मुलेशन में आता है। तो यह क्या करता है किसान भाइयों, आपकी जो दोनों प्रकार की थ्रिप्स है, खासकर कंपनी इस टेक्निकल को थ्रिप्स के लिए रिकमेंड करती है, जिसमें आपका ब्लैक थ्रिप्स हो चाहे येलो थ्रिप्स हो, इनका पूरा लाइफ साइकिल पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। जो टोल्फेन पाइराइड टेक्निकल है, यह स्पर्शीय टेक्निकल है, मतलब कॉन्टेक्ट टच पॉइजन है। इसके टच में जो भी आएगा तुरंत मरेगा, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया विधि है वो इस प्रकार से काम करता है, जो कीट के अंदर माइक्रोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ये डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण कीट की तुरंत मौत हो जाती है। इस प्रकार से ये काम करता है और एक प्रकार का टच पॉइजन है। तो इसके टच में जितने भी प्रकार के कीट आएंगे, जैसे आपका थ्रिप्स हो गया, ब्लैक थ्रिप्स हो या येलो थ्रिप्स हो, उसके अलावा कोई इल्ली है जो आपकी फसल को डैमेज कर रही है, मारने में सक्षम होता है, साथ ही साथ आपके रस चूसक कीटों को भी मारने में सक्षम होता है। किसान भाइयों, अभी इसमें दूसरी बात हमने करी थी फंगस को लेकर, तो अगर आप इसका उपयोग प्रिवेंटिव में करते हैं तो ये पाउडरी मिल्डू, डाउनी मिल्डू और ब्लाइट जैसे फंगस को भी कंट्रोल करने में सक्षम होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर फंगस का काफ़ी हेवी अटैक है तो उस कंडीशन में यह फंगस को उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन आपके यहाँ थ्रिप्स का हेवी अटैक है तो यह बहुत अच्छी तरीके से आपके थ्रिप्स को खेत में कंट्रोल कर पाएगा। किसान भाइयों, अगर हम इसका स्प्रे करना चाहें तो आप कौन कौन सी फसल पर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो आप इसका स्प्रे मिर्च पर कर सकते हैं, टमाटर पर कर सकते हैं, गोभी पर कर सकते हैं और कुछ भी ऐसी फसलें जिन पर थ्रिप्स का अटैक होता है, आप उन पर इसका उपयोग ज़रूर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसके डोज की बात करें किसान भाइयों, अगर तो आप इसका 30 से 35 ml प्रति 15 लीटर की दर से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर एकड़ की बात करें तो 300 से 350 ml प्रति एकड़ की दर से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर इसके मार्केट कीमत की बात करें तो यह 500 ml आपको 1300 से 1400 रुपये के लगभग मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। किसान भाइयों, तो यह था आपका जो प्रोडक्ट है। अगर इसके व्यापारिक नाम की बात करें हम, तो जो टोल्फेन पाइराइड 15% EC फॉर्मुलेशन में आता है, यह आपको नचिनो कंपनी का जो टाइची आता है उसमें मिल जाएगा, बेस्ट एग्रो का टोल्फेन के नाम से आता है। और अगर और भी किसी अच्छी कंपनी का आपको ये टेक्निकल मिल रहा है, आप उसको खरीद सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप थ्रिप्स के लिए निश्चिंत हो जाइए, किसी भी प्रकार की थ्रिप्स हो उसको ये खेत से ख़त्म करेगा और आपकी फसल में ताजगी और तंदुरुस्ती वापस से लेके आएगा। तो आज के लिए इतना ही किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य किसान भाइयों को भी फायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।